अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में मल्टीवेरिएट की दो अजम्पशंस टेस्टिंग ऑफ नॉर्मेलिटी एंड मल्टीकोलेरिटी को डिस्कस कर चुका हूं। आज की इस वीडियो में मल्टीवेरिएट की थर्ड अजम्पशन कॉमन मेथड बायस को डिस्कस करूंगा। कॉमन मेथड बायस बेसिकली रिफर्स टू द सेम इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एट सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू। एक्चुअली जब हम क्रॉस सेक्शनल सर्वे कंडक्ट करते हैं तो उससे पहले हम एक सर्वे इंस्ट्रूमेंट या क्वेश्चनर डिजाइन करते हैं जिसमें हम अपने रिसर्च मॉडल से रिलेटेड तमाम इंडिपेंडेंट, मीडिएटिंग, मॉडरेटिंग और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के क्वेश्चंस के बारे में रिस्पोंडेंट से रिस्पांस लेते हैं और वो रिस्पांसेस एट ए सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। मींस के हम अपना सर्वे इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करके जिनमें तमाम वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट हम अपने रिस्पोंडेंट को देते हैं और रिस्पोंडेंट हमारे एक ही सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में तमाम क्वेश्चंस के आंसर देकर हमें वो सर्वे क्वेश्चनियर वापस कर देते हैं। ये जो मेथड है जिसमें तमाम क्वेश्चंस के बारे में रिस्पोंडेंट से एक ही वक्त में सवाल पूछते हैं, इस मेथड को हम कॉमन मेथड कहते हैं और नॉर्मली हम इसको क्रॉस सेक्शनल सर्वे कहते हैं। इस कॉमन मेथड की वजह से जो बायसनेस हमारे रिजल्ट्स में आती है उस बायसनेस को हम कहते हैं कॉमन मेथड बायस। कॉमन मेथड बायस इज अ वेरिएंस दैट इज एट्रिब्यूटेबल टू द मेजरमेंट मेथड रादर देन टू द कंस्ट्रक्ट्स द मेजर्स रिप्रेजेंट। इट्स मींस कि हमारे रिजल्ट्स में जो वेरिएंस आ रही है वो वेरिएंस अगर कंस्ट्रक्ट मेजर्स की बजाय मेजरमेंट मेथड की वजह से आ रही है तो हम कहते हैं कि ये कॉमन मेथड बायस है। कॉमन मेथड बायस इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर to systematic measurement error. If common method bias is significantly or sufficiently high, then wrong conclusion may be drawn about hypothesized relationship between the construct. इसलिए हमें अपने CMB को एग्जामिन करना होता है कि क्या CMB कहीं हाई तो नहीं है। अगर CMB हाई है फिर हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि हमारे हाइपोथेसाइज रिलेशनशिप्स के बारे में रॉन्ग कंक्लूजन ड्रॉ हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल और मिनिमाइज CMB इन आवर क्रॉस सेक्शनल सर्वे बेस। कॉमन मेथड बायस को कंट्रोल करने के लिए वेरियस टेक्निक्स हैं और उन टेक्निक्स को हम दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है प्रिवेंटिव प्रोसीजरल टेक्निक्स और सेकंड कैटेगरी है स्टैटिस्टिकल टेक्निक। प्रिवेंटिव प्रोसीजरल टेक्निक्स बेसिकली हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम अपनी स्टडी को डिजाइन कर रहे होते हैं या अपने सर्वे क्वेश्चनियर को डिजाइन कर रहे होते हैं, जबकि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम सर्वे कंडक्ट कर लेते हैं और सर्वे कंडक्ट करने के बाद जो डाटा हमने कलेक्ट किया होता है उनको स्टैटिस्टिकल टूल्स के जरिए एनालाइज करते हैं कि क्या हमारे डाटा में CMB का प्रॉब्लम है या नहीं है। सो आप यूं कह सकते हैं कि डाटा कलेक्ट करने से पहले और डाटा कलेक्ट करने के बाद दो डिफरेंट प्रोसीजरल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं जिनको यूज करके हम अपने कॉमन मेथड बायस को एनालाइज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं प्रिवेंटिव प्रोसीजरल टेक्निक्स को डिस्कस करूंगा और आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में मैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के जरिए CMB एनालिसिस करके दिखाऊंगा। पोसकोफ एट ऑल सजेस्टेड सेवरल प्रोसीजर्स फॉर रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग CMB which can be divided into five categories. The first category which holds a number of different procedures is obtaining indicators of the predictors and criterion variables from different sources. Predictor se murad independent variables hai aur criterion se murad dependent variables. Means ke jab aap apne survey instrument mein variables ke measures ko add kar rahe hote hain to us waqt aap koshish kare ke aap apne independent, dependent, mediating, moderating variables ke measures ko ek research article ya एक सोर्स से ना लें बल्कि डिफरेंट आर्टिकल से लें ताकि आप कॉमन मेथड बायस को कंट्रोल कर सकें। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि अगर हम तमाम वेरिएबल्स के मेजर्स को एक ही रिसर्च पेपर से ले लेते हैं तो उसे समटाइम कॉमन मेथड बायस आने के चांसेस होते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कैन कंट्रोल आवर कॉमन मेथड बाय सिलेक्टिंग द मेजर्स ऑफ ऑल वेरिएबल्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। Second category is proximal, temporal, psychological and methodological separation of the measurement. Means के आपने अपना जो survey instrument design किया है उसके measures को आपने किस तरह structure के लिहाज से, layout के लिहाज से, presentation के लिहाज से design किया है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने सर्वे इंस्ट्रूमेंट को डिफरेंट स्केल से मेजर करें, उसमें डिफरेंट विजुअल क्यूज डालें या आप उनके डिफरेंट सेक्शंस डेवलप करें, तो इस कॉमन मेथड वाइज को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सर्वे इंस्ट्रूमेंट में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उनको आप डिफरेंट स्केल्स में मेजर करें। फॉर एग्जाम्पल 5 लाइकर्ट स्केल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए यूज करें, डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल यूज करें, स्ट्रांगली डिसएग्री टू स्ट्रांगली एग्री, वेरी अनलाइकली टू वेरी लाइकली, मीन्स इस तरह के डिफरेंट स्केल्स आप अपने सर्वे इंस्ट्रूमेंट में यूज करें। नंबर दो, आप उनमें विजुअल क्यूज भी ऐड कर सकते हैं रिस्पोंडेंट को गाइड करने के लिए कि वो किस तरह स्केल्स को यूज करेंगे व्हाइल रिस्पोंडिंग पर्टिकुलर क्वेश्चंस। इसके अलावा अगर आप अपने सर्वे को डिवाइड कर दें सेक्शंस में वेरिएबल्स के लिहाज से, फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का आप एक सेक्शन बना सकते हैं, मीडिएटिंग वेरिएबल का एक सेक्शन बना सकते हैं, मॉडरेटिंग वेरिएबल का एक सेक्शन बना सकते हैं और इस तरह डिपेंडेंट वेरिएबल का एक सेक्शन बना सकते हैं। इन द एंड आप डेमोग्राफिक प्रोफाइल से रिलेटेड वेरिएबल्स का एक सेक्शन बना सकते हैं। अगर आप डिफरेंट स्केल्स यूज करें, विजुअल क्यूज यूज करें और वेरिएबल्स के लिहाज से सर्वे में सेक्शंस को यूज करें ताकि आप इन तमाम चीजों को सेपरेट कर सकें, इससे रिस्पोंडेंट आपको ज्यादा बेहतर रिस्पांस दे सकेंगे जिससे आप अपने कॉमन मेथड बायस को कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस प्रोसीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप अपना सर्वे डिजाइन कर रहे होते हैं, तो आप इन चीजों का खास ख्याल रखें ताकि आप प्रॉपर सर्वे डिजाइन कर सकें। थर्ड प्रोसीजरल कैटेगरी इज काउंटर बैलेंसिंग द क्वेश्चन ऑर्डर्स, मीन्स हम अपने क्वेश्चंस के ऑर्डर्स को चेंज कर सकते हैं, मिक्स अप कर सकते हैं ताकि हमें प्रॉपर रिस्पॉन्सेज मिल सके। क्वेश्चन को ऑर्डर तब्दील करने का यह फायदा होता है कि रिस्पोंडेंट फिर अटेंटिवली हमें क्वेश्चंस के आंसर देता है और इस तरह कॉमन मेथड बायस काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। फोर्थ प्रिवेंटिव प्रोसीजरल कैटेगरी इज प्रोटेक्टिंग रिस्पोंडेंट एनोनिमिटी, मीन्स के जब हम अपना सर्वे डिजाइन कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि हमारे रिस्पोंडेंट को ये कॉन्फिडेंस हो कि वो जो सर्वे के रिस्पॉन्स दे रहे हैं उनके रिस्पॉन्सेस को मिक्स अप कर लिया जाएगा और कहीं भी सेपरेटली आइडेंटिकली ट्रेस आउट नहीं किया जाएगा। अगर हम शुरू ही में रिस्पोंडेंट को इस तरह का कॉन्फिडेंस दे दें कि उनके रिस्पॉन्सेस को मिक्स अप करके एनालाइज किया जाएगा ना कि आइडेंटिकली कहीं रिपोर्ट किया जाएगा, तो इस तरह रिस्पोंडेंट वेरी कॉन्फिडेंटली काफी हद तक एक्यूरेट आंसर देते हैं जिससे हमारा CMB कंट्रोल होता है। फिफ्थ प्रिवेंटिव प्रोसीजरल कैटेगरी इज इम्प्रूविंग स्केल आइटम्स और रिड्यूसिंग आइटम एम्बिग्यूटी, सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम सर्वे डिजाइन कर रहे होते हैं तो जो आइटम्स हम यूज कर रहे हैं, जो स्केल हम यूज कर रहे हैं, कहीं उनमें एम्बिग्यूसनेस तो नहीं है कि रिस्पोंडेंट को अंडरस्टैंड करते हुए मुश्किल तो नहीं हो रही। अगर हमारे आइटम्स इस तरह के हैं कि रिस्पोंडेंट के लिए मुश्किल हो रहा है उन तमाम आइटम्स को या स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हुए, डेफिनेटली कॉमन मेथड बायसनेस बढ़ेगी। अगर आपके जो आइटम्स हैं, स्केल्स हैं, वो काफी अंडरस्टैंडेबल हैं रिस्पोंडेंट के लिए, तो देन काफी हद तक हम कॉमन मेथड बायस को कंट्रोल कर लेते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अपने आइटम्स को सर्वे में लिख रहे होते हैं या ऐड कर रहे होते हैं, आप उनको वेरीफाई कर लें। सो उनमें कुछ सजेशंस हैं। द फर्स्ट सजेशन इज डिफाइनिंग और एक्सप्लेनिंग एम्बिग्यूस अनफेमिलियर टर्म्स, कि वो तमाम टर्म्स जो रिस्पोंडेंट के लिए अनफेमिलियर हो सकती है आप उनको एक्सप्लेन कर दें, डिफाइन कर दें। फॉर एग्जांपल आप एक टर्म यूज करें OPR, आप OPR क्या है रिस्पोंडेंट को तो नहीं पता, यू मस्ट एक्सप्लेन इट। या कोई आप टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, लेट्स से ऑनलाइन प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, सो यू मस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज ऑनलाइन प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। सो इस तरह रिस्पोंडेंट को ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि बेसिकली व्हाट इज दिस, फिर वो अकॉर्डिंगली वो आपको सही जवाब दे सके। नेक्स्ट सजेशन इज अवॉइडिंग वॉग कॉन्सेप्ट्स और प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कोई ऐसे कॉन्सेप्ट जो अंडरस्टैंडेबल नहीं है कोशिश करें कि उनको ना यूज करें, और अगर आपने यूज करना ही है तो फिर आप उनको एग्जांपल्स के जरिए एक्सप्लेन भी कर दें ताकि रिस्पोंडेंट को ज्यादा बेहतर समझ आ जाए और फिर अकॉर्डिंगली वो आंसर दे सके। नेक्स्ट सजेशन इज कीपिंग क्वेश्चन स्पेसिफिक एंड सिंपल, सिंपल वर्ड यूज करें, अंडरस्टैंडेबल हो ताकि रिस्पोंडेंट प्रॉपर जवाब दे सके। नेक्स्ट सजेशन इज डिकम्पोजिंग क्वेश्चन इंटू सिंपलर क्वेश्चन, अगर आपके क्वेश्चन पड़े हैं उनको छोटे छोटे क्वेश्चन बना लें और सादा कर लें ताकि रिस्पोंडेंट प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सके। दीज आर द डिफरेंट प्रिवेंटिव प्रोसीजरल टेक्निक विच मस्ट बी अंडरटेकन व्हाइल डिजाइनिंग सर्वे। सो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को CMB के बारे में बताया कि कॉमन मेथड बायस क्या होता है और कैसे हम कॉमन मेथड बायस को प्रिवेंटिव और स्टैटिस्टिकल टेक्निक से कंट्रोल कर सकते हैं, और 5 प्रिवेंटिव प्रोसीजरल टेक्निक्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि कैसे हम CMB को कंट्रोल कर सकते हैं व्हाइल डिजाइनिंग सर्वे क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप
लोगों को स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के जरिए हार्मोन्स वन फैक्टर और कोरिलेशन एनालिसिस करके दिखाऊंगा, जिसमें एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम स्टैटिस्टिकल टूल्स के जरिए सीएमबी को टेस्ट कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। अगर आपका सीएमबी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।